दो सांसद मौजूदा थे दोबारा फिर से सांसद बन गए, फिर उम्मीद रखेंगे? फिर नहीं, फिर तो बहुत मुश्किल बात है। अगर इनकी पहले इतनी एरोगेंसी थी तो अब इनको एक बात तो क्लियर है कि नेक्स्ट टाइम इनको टिकट नहीं मिलेगी। ये तो और ज्यादा चौड़े हो जाएंगे, ये तो बिल्कुल ही काम नहीं करेंगे लोगों का, ये तो पक्की बात है। चौथा टेन्योर इनको टिकट नहीं मिलेगी और ना ही ये जम्मू के लोगों के काम करेंगे। इनसे कोई बड़ी बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है, 10 साल इनको देख लिया, और अगर एक ही सब्जी 10 साल खाते रहो तो उसका नेक्स्ट टाइम बंदा कोई सोचे कि टेस्ट आएगा वो नहीं आएगा। इनका टेस्ट हमने चेक कर लिया है तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी आएगा हमने तो लड़ना है, हमने अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, जो भी होगा उसके खिलाफ ही लड़ना है। 4 जून जो है नतीजों का दिन है, इंतजार तमाम लोगों को है, जम्मू कश्मीर की जनता को है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता में सबसे आगे जिनकी आवाज बुलंद करते हैं रवि हंसजी मेरे साथ है। कितना इंतजार 4 जून का है, नतीजों का दिन है, आपके भविष्य को लगता है यहाँ से संवरने का मौका मिलेगा? मैम सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। 4 जून का दिन हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, और वो इसलिए नहीं कि रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट कोई भी हो, सरकार कोई भी बने, जब तक डेली वेजर का मुद्दा हल नहीं होता विरोध सबका होगा, जैसे पहले होता रहा है वैसे आगे भी होगा। हमारे लिए 4 जून इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 4 जून को कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास फिर अधिकार होगा कि हम बड़ा प्रदर्शन जो है वो हम कर सकते हैं। और उसके लिए मैं अपने तमाम डिस्ट्रिक्टों के जितने भी डेली वेजर साथी हैं उनको ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि आप तैयार रहो, 4 जून के बाद 5 या 6 तारीख को हम फिर एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद फिर एक जम्मू में बड़े प्रदर्शन की कॉल होगी, आप सभी लोग तैयार रहें। हमने जो पहले दिन कहा था पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी तो डेली वेजर्स का मसला कहाँ तक है? मैम अभी डेली वेजर का मसला हम ये कह सकते हैं कि अभी जीरो पे ही है, अभी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। सरकारी दायरे में कुछ हलचल चल रही है, लेकिन ये लगातार हम पिछले 2 सालों से देख रहे हैं। मुझे अगर कॉन्फिडेंस की बात करें तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, इसलिए अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी। दो सांसद मौजूदा थे दोबारा फिर से सांसद बन गए, फिर उम्मीद रखेंगे? फिर नहीं, फिर तो बहुत मुश्किल बात है। अगर इनकी पहले इतनी एरोगेंसी थी तो अब इनको एक बात तो क्लियर है कि नेक्स्ट टाइम इनको टिकट नहीं मिलेगी, ये तो और ज्यादा चौड़े हो जाएंगे, ये तो बिल्कुल ही काम नहीं करेंगे लोगों का, ये तो पक्की बात है। चौथा टेन्योर इनको टिकट नहीं मिलेगी और ना ही ये जम्मू के लोगों के काम करेंगे। इनसे कोई बड़ी बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है, 10 साल इनको देख लिया, और अगर एक ही सब्जी 10 साल खाते रहो तो उसका नेक्स्ट टाइम बंदा कोई सोचे कि टेस्ट आएगा वो नहीं आएगा। इनका टेस्ट हमने चेक कर लिया है तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी आएगा हमने तो लड़ना है, हमने अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, जो भी होगा उसके खिलाफ ही लड़ना है। ठीक है, साफ तौर पर अपने अधिकारों की लड़ाई जो है हम काफी लंबे समय से लड़ रहे हैं और हम लड़ते रहेंगे, इसी तरह की बातें जो है रवि हंसजी कर रहे हैं, लेकिन 4 जून का दिन पूरे हिंदुस्तान के लिए महत्वपूर्ण है, तो डेली वेजर्स पे उम्मीद लगाए हुए हैं कि जिन लोगों को जिन उम्मीदवारों को वोट दिए हैं उसके बाद जो है उनकी जीत जो है वो निश्चित है।